नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सवालों का सामना करेंगे राज्यसभा के सदस्य अश्क अली टाक। नमस्कार सर, आपका नमस्कार स्वागत। नमस्कार। गोपालगढ़ में जब सीबीआई पहुंची तो वो कह रहे हैं कि सबूत मिटाए गए हैं, मस्जिद की दीवारों पे प्लास्टर हुआ हुआ है, खून के धब्बे हटाए गए हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी घटना होती है, उस घटना के बाद में एक 14 तारीख को घटना हुई थी। आज तारीख 15 दिन से ज़्यादा नहीं, 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल और ऐसे में स्वाभाविक रूप से कोई भी चीज़ आहट होती है, निशान होता है, वो डाइल्यूट हो सकता है। हो सकता है, मुझे पता नहीं है। मेरे ख्याल से दीवार पे बंद गोलियों के निशान तो डाइल्यूट नहीं हो नहीं सकते हो सर। सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो आज सीबीआई सकते। की रिपोर्ट अखबारों में आई है कि मस्जिद की दीवार पे से कोई गोलियों के निशान नहीं है, खून के धब्बे हम मान सकते हैं। नहीं, मैं क्योंकि खुद गया हूँ, मेंबर पार्लियामेंट्स की कमेटी की जी गई थी, उसमें मैं स्वयं था और मैंने वो निशान देखे हैं। मिटाए नहीं जा सकते, इतने ज़्यादा निशान हैं। वो कम हो सकते हैं उनके नज़र में निशान, लेकिन वो निशान काफ़ी मात्रा में और काफ़ी ऊपर तक है, इसलिए मिट नहीं सकते वो निशान। मैं आज की पोजीशन नहीं जानता कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही गई है। आप कब गए थे? मैं घटना के 3-4 दिन बाद में, जो पार्लियामेंट मेंबर्स की कमेटी गई थी, जी उस कमेटी का मैं, पार्टी के अध्यक्ष भी मेरे साथ थे और वहाँ के सांसद भी मेरे साथ थे, एमएलए भी वहाँ साथ थी। हमने वो तमाम घटनास्थल को देखा है। हाँ, उस दिन भी कुछ जगह सीमेंटेड था, जो नोटिस टेस्ट किया गया था कि निशानों को सीमेंट से पैक किया गया था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कवर अप में लग गई थी, आपका ये मानना है? मेरे जाने से पहले, यानी कि एमपी की टीम जाने से पहले, और तब हमने इस बात को नोटिस किया था कि ये घटनास्थल के ऊपर ये क्या क्या किया गया है। तब बताया गया था हमको स्थानीय प्रशासन के द्वारा कि सब ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उन्होंने कुछ अपने सिस्टम को डेवलप किया है अच्छा। ये, क्योंकि वो जांच का हिस्सा था। तो उन्होंने किस दृष्टि से उनको टेप किया, उस जगह गोले लगे हुए थे, निशान लगे हुए थे, नंबरिंग की हुई थी, तो वो नंबरिंग भी हमने देखी थी कि गोली के निशान का कितने नंबर हैं, उनका सबके गोला किया हुआ था। आपको लगता है कि गोपालगढ़ में जो ये इंसिडेंट हुआ है, जिससे कि बहुत क्लियरली एक एडमिनिस्ट्रेशन का लैप्स माना जा रहा है, एक फेलियर माना जा रहा है, उससे कांग्रेस की छवि को नुकसान तो हुआ ही है, मुस्लिम वोट्स पर भी असर पड़ेगा? निश्चित रूप से इस बात को दुखद पहलू के रूप में इतिहास में याद किया जाएगा। घटना का होना किसी भी राज्य के लिए और किसी सेकुलर स्टेट के लिए, वन साइडेड अगर आपके साथ में अन्याय होता है तो वो दुखद पहलू है। लेकिन घटना के बाद, जी घटना के जिम्मेदार लोग जो रहे थे, उन लोगों के प्रति शासन का जो रूप है, एक्शन का, वो आज तक की हिस्ट्री में, जी 30 साल का राजनीतिक जीवन है मेरा, जी 30 साल के इस राजनीतिक जीवन में घटनाएं पहले भी हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली आप सही कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। घटनाएं जीवन का हिस्सा है, दुर्घटनाएं भी जीवन में हैं, लेकिन आगे ऐसी नज़ीर बने जिससे ये घटनाओं की पुनरावृत्ति, कम से कम शासक के जो हिस्सा है शासन और प्रशासन का, वो अपनी गलती ना दोहरा पाए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा हमने एक्शन लिया है, क्या वो काफी है कि ये ऐसी गलतियां कम से कम राजस्थान में तो दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी? मैं ये मानता हूं कि किसी भी राज्य के लिए घटना का होना दुखद पहलू होता है। और इस घटना के बाद में जो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमेटी भेजी गई, जी राज्य के सर्वोच्च नौकरशाह, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो और चाहे आपका डीजीपी पुलिस हो और चाहे राज्य के गृह मंत्री हो, वो शीर्ष होता है मुख्यमंत्री जी द्वारा, इन 3 लोगों की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, गवर्नमेंट के हाई पावर कमेटी, जी जिसमें इत्तफाक से सलाउद्दीन मुस्लिम भी है, इत्तफाक से। तो
हमारा नजरिया हिंदू और मुसलमान का नहीं है, शासन में जो बैठा है व्यक्ति को उसको जाति वो धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जमायत उलामा हिंद ने तो मांग करी है सोनिया गांधी जी से कि अशोक गहलोत जी को हटाया जाए, आप क्या कहते हैं? देखिए कि मांग करना, विरोध करना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। आप उसको सपोर्ट नहीं करते? बिल्कुल नहीं। सपोर्ट किस बात के लिए कि क्या आप क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? मुख्यमंत्री के स्तर पर गृह मंत्री की कमेटी की रिपोर्ट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट को अक्सर से माना गया जी, और जो निर्णय लिए गए जिला कलेक्टर और एसपी को तुरंत वहां से हटाया गया। मुख्यमंत्री जी सब स्वयं जाते हैं तो उनका मन इस बात पे और उद्वेलित होता है और उनका निर्णय आता है कि कलेक्टर एसपी को आप सस्पेंड कर रहे हो, ये निर्णय। उसके साथ में राजनीतिक विल पावर देखिए उनकी, सारा पुलिस स्टेशन लाइन हजार। ऐसा कौन सा निर्णय है जो मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं लिया गया? अगर नहीं लिया जाता तो हम कह सकते थे कि मुख्यमंत्री जी रॉन्ग बॉक्स में हैं, उनके आदेश में कहीं स्थिरता है। और देखिए कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि जुडिशरी जांच जो है जी, वो टाइम फ्रेम में पूरी होगी, ये नहीं कि सालों किसी की एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सोनिया गांधी जी आपको रुद्रपुर में भी कॉम्युनल वायलेंस में जांच करने के लिए भेज रही हैं, उसके बारे में हम आपसे जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, देखते रहिए आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं अश्क अली टाक जो कि राजस्थान के यंगेस्ट एमएलए और मिनिस्टर रह चुके हैं। आपको सोनिया गांधी जी रुद्रपुर भेज रही हैं, वहां पर भी कम्युनल वायलेंस हुआ है, आपको लग रहा है ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं भारत में? राजधर्म को जब कोई राजनीतिक पार्टियां छोड़ेगी और जनता जनार्दन होती है जी, उनका उनको समर्थन मिलेगा। इस देश के लोकतांत्रिक पद्धति में पार्टियों बनाने का एक सिलसिला है और झंडों के रंग बदल दिए जाते हैं, नेता वही रहते हैं और जिस नाम से वोट मिलता है उस नाम की राजनीतिक पार्टी खिल जाती है। मैं चाहे मुस्लिम फंडामेंटलिज्म हो, चाहे हिंदू फंडामेंटलिज्म हो, चाहे सिख फंडामेंटलिज्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी फंडामेंटलिज्म की इस अतिवादी जी फोरम को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये देश गंगा जमुनी संस्कृति का देश है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का प्रदेश है, यहाँ से दुनिया में राजस्थान ने संदेश दिया है सूफीजम का, यहाँ इस्लाम ताकत के दम पर नहीं आया है। ये बातें अब किताबी नहीं रह गई। मैं इस चरित्र का हूँ, ये गोगा जी का प्रदेश है, ये रामदेव जी का प्रदेश है, ऐसे में मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा चरित्र है। मैं हाजी हूँ लेकिन हाजी का मतलब ये नहीं कि मैं आपके धर्म का निरादर करूं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि अभी सीएम साहब ने कहा कि हज हाउस की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, मतलब सीएम साहब की कोशिश रहे लेकिन आज तक क्यों नहीं हो पाया, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी उस दिन भी अपना पक्ष रखा था जी, और जो आप आज मेरे सामने पक्ष रख रहे हैं, कल ये सवाल मेरा था कि हज हाउस बनना है और शासन को निर्णय लेना है। कैसा इंतफाक है कि मुख्यमंत्री फाउंडेशन रख के और राज्य सरकार का कोई मंत्री के कारण कर्फ्यू लगाना पड़ जाए। ये वसुंधरा के राज में हुआ, सांगानेर की जनता ने देखा, जयपुर की जनता ने देखा, ये दुखद पहलू है, ये राजधर्म नहीं है। मंत्री इस बात के लिए कह रहा है कि हज हाउस नहीं बनना चाहिए और मुख्यमंत्री फाउंडेशन कर रही है, हिपोक्रेसी। क्या मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती थी? क्यों नहीं मंत्री को बाहर निकाल बार किया आपने? लेकिन नहीं, ये तब से जो ड्रामा चल रहा है ये बंद होना चाहिए। और मैं एज एमपी ये निवेदन करना चाहता हूं जी उस प्रतिपक्ष को भी कि आइए, अगर आपने तब गलती की तो अब सुधार लो। आप हज एडवाइजरी कमेटी में भी कोऑर्डिनेटर हैं, क्या नई चीजें लेकर आ रहे हैं आप? कोऑर्डिनेटर का काम कोऑर्डिनेशन करना होता है, सबको साथ लेकर चलना होता है। अपने भी कुछ आइडियाज दे रहे होंगे? अपने भी आइडिया हम दे रहे हैं। हम परफेक्ट हज तो नहीं करवा सकते किसी चीज का, कोई चीज
100% तो नहीं हो सकती जी। लेकिन 99% हो जाती है तो हम 100% मान सकते हैं। पिछली बार जिस प्रकार से हज के मैनेजमेंट में फेल्योर्स रहे स्टार्ट से लेके एंड तक, हाजी की घर से शुरू होने के बाद लौट के जब तक आया जी। उसकी यादें बड़ी खट्टी थी, मीठी कुछ नहीं था। सही बात है। ऐसी स्थिति में आज तक उसका जमजम नहीं मिले, उसके बैगेज नहीं मिले, सामान नहीं मिले, बिल्कुल ये कितना बड़ा फेल्योर था। बिल्कुल था। चार चार दिन तक फ्लाइट लेट हूँ, एक घंटा नहीं, चार घंटा नहीं, और अब तक 7 फ्लाइटें जा चुकी है। अच्छा। एक भी फ्लाइट ऐसी नहीं है जो एक घंटा लेट हुई हो। अच्छा। मैटर ऑफ मिनट्स हो सकती है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल में अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आपने उसकी शुरुआत करवाई थी, जिसमें कि नए एजुकेशन प्रोग्राम्स मदरसों में रिलीजन को नए तरीके से पढ़ाना और टीचर्स को मॉडर्न डे सब्जेक्ट्स पर। एक मकसद के लिए कोई चीज़ क्रिएट की जाती है और हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो अगर किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए तैयार होते हैं, अगर आपको राजस्थान या हिंदुस्तान को पूर्ण रूप से विकसित करना है तो जो वर्ग पिछड़ गया है पीछे रह गया है उसको केंद्रित करना पड़ेगा अपना ध्यान जी। पीछे मुड़ की तरफ आपको को मुड़ जाना है और जो सबसे पीछे खड़ा है उसको आपको प्रमोट करना है, चाहे वो एजुकेशनल, चाहे एजुकेशनल प्रमोशन हो, चाहे मेडिकल हेल्थ का प्रमोशन हो, और चाहे बस्ती के सुधार का हो, सफाई का हो, और इसमें मुस्लिम बस्ती क्या पीछे नहीं छूटी है और उसको हमको फोकस पे रखना पड़ेगा। आप तो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं पहले, तो उसमें और आज में आपने कुछ सुधार देखे हैं और क्या नई स्कीम्स आप लाना चाहते हैं? वक्त बदल रहा है, वक्त बदला है। आप खुश हैं इस चीज से? आप सेटिस्फाइड हैं? खुश तो मैं नहीं हूं, यूज करूंगी। संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मेरे दायित्व एक एमएलए के रूप में जो थे, कमीशन के चेयरमैन के रूप में थे या मंत्री के रूप में थे, आज मेरा पार्लियामेंट का मेंबर बनना और वो भी राज्यसभा से जी। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा स्टेट होता है, पहले आपको एक सब डिवीजन का एमएलए बनना था, फिर आपको अगर एमपी बनना है तो एक डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट का आपको एमपी बनना है। अब आपका आईक्यू, आपका पैमाना, आपका डेवलपमेंट इंटायर स्टेट है। राज्यसभा का एमपी इंटायर स्टेट का होता है, ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट पीछे है हमारी प्रायोरिटी में आना चाहिए। बिल्कुल। जो कम्युनिटी, जो बस्ती, जो मोहल्ला, जो कॉलोनी किसी नाम से पुकारे सबसे पीछे है उसको हमको प्रमोशन करना है। देखिए, लेकिन फिर भी जब अपने कम्युनिटी का आदमी एक औहदे पे पहुंचता है तो कम्युनिटी की उम्मीदें तो बनती हैं, तो आप क्या अपनी कम्युनिटी की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं? मैं कोशिश का एक मेरा पहला कैलेंडर ईयर पूरा होने जा रहा है, 6 साल का कार्यकाल होता है जी, और मुट्ठी जो मेरे पास में है, मैं आज एमपी भी नहीं होता, एमएलए भी नहीं होता, संगठन के किसी जिम्मेवार पद पे भी नहीं होता अगर मेरे पास में एजुकेशन नहीं होती। आप मुसलमान हो अच्छी बात है, आपको पास में अगर एजुकेशन नहीं है तो बाय ग्रेस का जमाना गया, अब बाय मेरिट आना पड़ेगा। एल्डर वही होता है जो छोटे को प्रोटेक्शन दे। एल्डर और आईक्यू, इन बातों से मेरे जहन में एक सवाल और उठ रहा है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं। आमने सामने जारी रहेगा अशकली जी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे सामने बैठे हैं अशकली जी। आईक्यू से महेश जोशी जी की टिप्पणी याद आ गई, क्या रहा उनका, क्या नाराजगी रही आपसे? नहीं, मेरी नाराजगी या उनकी नाराजगी या आपको क्या लगी नाराजगी, मुझे ये जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कॉल करी, कुछ टिप्पणी करी उन्होंने, तो वो देखिए एक इन फाइटिंग की इमेज आम जनता तक जाती है कि कांग्रेस के वो आप तो दिग्गज हैं ही, वो भी जयपुर के एमपी हैं। तो मैं एक कांग्रेस का दिग्गज नहीं हूँ, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और सिपाही को जिस मोर्चे पे भी खड़ा कर दिया जाता है सिपाही पीछे नहीं हटता है, और मुझे लगता है कि पार्टी के किसी भी साथी के द्वारा लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया जाता है तो मैं बहुत बड़ा योद्धा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका उल्लंघन के समय उनको
एक इशारा मात्र करता हूँ कि ये ठीक नहीं होगा। हमारे ही कोई दो वरिष्ठ साथी, मैं नहीं हूँ वरिष्ठ, ये दावा भी नहीं है, इरादा भी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि दो जोशी, जो एक एमपी है, एक केंद्र का मंत्री है, मंत्री को आप अगर किसी तरह से लज्जित करेंगे, अंडरसाइज करेंगे, तो वो पार्टी के लिए उचित नहीं होगा और उसके लिए रोका जाना गुस्ताखी नहीं होगा। और उसके लिए आईक्यू किसकी क्या, मैं इस पे जाना नहीं चाहता, ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है, बड़े सम्मान के साथ आंतरिक मामला फिर आंतरिक ही रहना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके आम जनता के सामने नहीं खोलना चाहिए था। ये कभी वो आए तब उनसे जरूर पूछना। आप तो NSUI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यूथ प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इतनी डिससेटिस्फेक्शन क्यों है वर्कर्स में? ऐसा है, देखिए कि वर्कर को आपको जवाबदेही है MLA की, MP की, बिल्कुल है, और वार्ड मेंबर की, और मेयर की, चेयरमैन की, प्रधान की, प्रमुख की, जो भी हमारा चुनिंदा व्यक्ति है, उसको जनता के प्रति जवाबदेही है। पार्टी से ऊपर नहीं है कोई, पार्टी के फोरम पे आपको अपने आप को कार्यकर्ता मान करके कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा, वो कार्यकर्ता जमानत देता है हमारी। आप 25-30 साल से किसी ना किसी तरह कभी कांग्रेस के संगठन में, कभी मंत्री लेवल पर जुड़े रहे हैं, आपको क्या चेंजेस दिखे हैं कांग्रेस में? देखिए, यूथ लेवल के ऊपर मैं वर्कर लेवल पे बात कर रही हूँ। प्री इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट, प्री इंडिपेंडेंट की कांग्रेस दूसरी थी, आफ्टर इंडिपेंडेंट की, मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस ही पूछ रही हूँ, जब से आफ्टर इंडिपेंडेंस में 20-25 साल ऐसे रहे कि जो प्री इंडिपेंडेंट लीडरशिप थी जी, जो फ्रीडम फाइटर था उसने लीड किया है जी, और ये जो 25 साल हमारे पास बचा है, 30 साल हमारे पास बचा है, जिस पीढ़ी से, जब मैं NSY का प्रेसिडेंट बना था जी, तब कांग्रेस का एक विभाजन देखा है मैंने। मैं जेल गया हूँ, इंदिरा जी के कांग्रेस बनी थी और उसके बाद में विभाजन हुआ था, तो मैं उस वक्त में स्कूल का प्रधानमंत्री रह चुका था, राजस्थान विश्वविद्यालय का छोटा सा छात्र नेता था जी। तब मेरे में राजनीति की इतनी सोच थी कि मैं जेल जा रहा हूँ इंदिरा गांधी जी के लिए, कि इंदिरा गांधी सही है और जनता पार्टी का राज गलत है। इंदिरा जी के दौर के, इस 80 के दौर जब शुरू होता है, जनता पार्टी का जो शासन आता है, उसके बाद में कांग्रेस टूट जाती है और कांग्रेस के अंदर वो बहुत कम लोग बसते हैं जो इंदिरा जी के साथ खड़े रह जाते हैं। लेकिन मैं आपसे आप ही का सवाल पूछूं, नहीं होता, अशोक गहलोत आज मुख्यमंत्री हैं, वो तब नहीं होते, उस वक्त में उन्होंने निर्णय नहीं लिया होता, उस जमाने के दिग्गज कांग्रेस के दूसरे बैनरों पर खड़े थे, अशोक गहलोत छोटा सा कार्यकर्ता। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, जैसे आपने कहा कि आप एज ए वर्कर एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक छोटी सी पोस्ट पे, आपके मन में इंदिरा गांधी के लिए इतना एक बिलीफ था उनमें कि आप जेल जाने को तैयार हो गए, आपको लगता है कि आजकल के वर्कर्स में आपकी जो लीडरशिप है, चाहे वो सोनिया जी हैं चाहे वो राहुल जी हैं, इतना बिलीफ है? या? अब एक नई जोर, नई सोच आई है, अब टैलेंट का जमाना आया है, हिंदुस्तानी ने, हिंदुस्तान के स्टूडेंट ने आज अपनी लीडरशिप को नॉट इन पॉलिटिक्स, लीडरशिप मीन्स आपका बिजनेस भी एक लीडरशिप है, बिल्कुल, आपकी टेक्नोलॉजी का भी एक लीडरशिप है, फार्मरशिप में भी आपकी एक लीडरशिप है। हिंदुस्तान के आदमी ने UK में जब प्रमाणित किया तो UK का प्रेसिडेंट कहता है हिंदुस्तानी आ जाएगा, मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपने नहीं पढ़ी, ये हमारा टैलेंट बता रहा है। आपको अभी सोनिया गांधी जी ने फ्लेक्सी मॉनिटरिंग कमेटी का कोऑर्डिनेटर, कन्वीनर बनाया है, तो आप अलग अलग प्रदेशों में जाके कांग्रेस और नॉन कांग्रेस दोनों में इस चीज को मॉनिटर करेंगे, तो थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में बताइए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन स्टेटों का सवाल होता है, जो वहाँ पे एक शिकायत हमारे सामने आई थी, आती रहेंगी, कि कोई भी चीफ मिनिस्टर होता है वो भारत की योजनाओं का नाम बदल देता, कैसा भारत सरकार का योजना, भारत सरकार की उस स्टेट में जो है इस तरह का कलर दिया जाता है कि इसकी गुडविल हमको मिले, बदल देते हैं कि उसमें वो नॉर्मली इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गांधी परिवार के उससे नाम होते हैं हमारे फ्लैगशिप स्कीम्स के। मैं फ्लैगशिप स्कीम के नाम जो भी हैं वो अपने आप में योग्यता की दृष्टि से या मूल्यों की दृष्टि से, देश के निर्माण की दृष्टि से, अगर आप किसी भी बड़े का नाम आप रखते हैं और
आपकी ओछी मानसिकताएं ये हो जाएंगी कि आप उनका नाम बदलेंगे। मतलब कभी कांग्रेस ने उनका ध्यान प्रोग्रेस पे नहीं है, उसको लगाने पे नहीं है, इन चीजों पर है आपका कहने का मतलब। अपोजिशन के स्टेट्स के अंदर ये बातें आती है, लेकिन मैं तो राजस्थान की दृष्टि से बात करना चाहता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, बिल्कुल, और फ्लेक्सी मोनिटरिंग की जांच सवाल है। सारी बड़ी स्कीमें जितनी है यूपीए 1 और यूपीए 2 की, अच्छा, वो आपकी स्कीमें 16 हो जाती है, ठीक है, और 16 स्कीमों का आपको प्रॉपरली मॉनिटरिंग आपके पार्टी के नेताओं के साथ में बैठ करके, आपके वर्कर के साथ में के सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे ही नहीं छोड़ी जाए। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट अगर किसी चीज के अंदर नहीं होगा, वर्कर का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कि कुछ विचार के साथ में जीवित रहेगी ये योजनाएं, और प्रॉपरली जिस गरीब के लिए ये योजनाएं बनाई गई है, जिसका जीवन स्तर बिल्कुल उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, ये मॉनिटरिंग आपको करनी है, बिल्कुल, और इसका फीडबैक आपको लीडरशिप को देना है। माइनॉरिटी का जब भी कोई आदमी राज्यसभा में मेंबर बना है या लोकसभा में भी बना है, हमेशा मंत्री बना है, तो हम उम्मीद रखें? उम्मीद पे दुनिया कायम है नहीं, फिर भी कुछ कॉन्क्रीट हो तो बता। सब ऐसा है कि मैंने बताया, बाय ग्रेस नहीं चलेगा, बाय मेरिट चलेगा। आप में तो मेरिट भी है। इफ यू हैव डिजर्व, प्रूव करिए। आपने राजस्थान में प्रूव किया है, अब पैमाने हिंदुस्तान के हैं, और आप में क्षमताएं हैं, तो आपको पार्टी, तो आपको लगता है कि ये एक तरह से एक जो आपको ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोनिया दे रही हैं, वो एक टेस्टिंग ग्राउंड है? मेरे नेता का मैं सिपाही हूँ, मैंने पहले भी कहा है, आगे भी कहता रहूंगा, और जब भी जो दायित्व हमको निभाने के लिए दिया जाता है, स्पेशली इलेक्शन का जी, तो आप अभी केरला होकर आए हैं, बिल्कुल, उसी के बिल्कुल, में? बिल्कुल आगे भी बढ़ना है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, हमारे पार्टी का झंडा लेकर के जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इलाका हो वहाँ मुझे अगर भिजवाया जाता है तो मैं अपने आप को ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं अशकली जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे अश्क अली टाक, जिन्होंने आमने सामने में हमारे सवालों का जवाब दिया। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे